जैसे कि किसानों को सही जानकारी तो वो दे पाएंगे जो जो एग्रीकल्चर से और खेती बाड़ी से नॉलेज रखता हो, वो जब नॉलेज नहीं रखता तो किसानों को क्या जानकारी दे पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट की ये पॉलिसी जो आई है कि जैसे खाद की एजेंसी जिसको देना है, ठीक है, वो कृषि विज्ञान से कम स्नातक हो, और अगर स्नातक नहीं है तो डिप्लोमा हो। गवर्नमेंट ने यहाँ तक कहा है कि अगर कोई युवा है और इस क्षेत्र में आना चाहता है और न तो वो स्नातक धारक है और न डिप्लोमा है, तो बाकायदा उसे इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा, एक समझिए कि बहुत बड़ा काम गवर्नमेंट करने जा रही है। किस तरह का प्रशिक्षण होने वाला है? शासक के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जनपदों में एक देसी योजना जो हमारे उर्वरक के या बीज के और रसायनों के, कुछ रसायनों के लाइसेंसधारी हमारे डीलर्स हैं, रिटेलर हैं, उनके लिए शासन तरफ से एक देसी योजना चलाई जा रही है जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कृषि क्षेत्र के बारे में, जो कृषि की योजनाएँ हैं और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और बीज के बारे में। वो हमारे जो डीलर्स जो लाइसेंस के पास है और उनको ट्रेंड नहीं है, तो ऐसे लोगों को ये देसी योजना के तहत, जो कि सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और उनमें हमारे जनपद का चयन सब्सिडाइज जो है उसमें चयन किया गया है, उसके तहत हम लोग प्रशिक्षण देंगे। ये इसका उद्घाटन शनिवार को यानी 20 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसका पहला प्रथम क्लास, क्योंकि क्लास इसमें हर संडे को ही चलनी है, 48 हफ्ते का एक प्रोग्राम है, तो प्रथम क्लास हमारी 21 अक्टूबर को इसका उद्घाटन पहली क्लास चलेगी, जिसमें क्योंकि सरकार की मंशा है जो कृषि क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं लोग वो ट्रेंड हो, इससे कृषकों को जो समस्याएं हैं जो प्रशिक्षित लोग हैं उनके माध्यम से दी जाए, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो। तो सरकार की मंशा है 2022 तक किसानों का आय दुगनी करने का, उसी के क्रम में ये सब प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं।